अच्छा जी, आज के सेशन में हमने जो है वो बस क्विकली एक रिव्यू लेना है, और हम ये देखने की कोशिश करेंगे पहले स्टेप में कि जब भी हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं डायरेक्ट से, जब हम मूव कर रहे होते हैं इनडायरेक्ट की तरफ, तो कुछ सर्टन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि चेंज हो जाते हैं। ये वन पेपर एग्जाम्स में बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको वो कुछ वर्ड्स दे देता है और उन वर्ड्स को आपको जो है वो चेंज करना होता है। ठीक है, वो वर्ड जो है आपको याद होने चाहिए, अजगर होने चाहिए। तो अभी आप मुझे बताएंगे और जहां पे आपको जो है वो प्रॉब्लम होगी मैं आपको बताऊंगा कि ये किसमें होगा। अच्छा, नौ को जब आप तब्दील करते हैं, अगर डायरेक्ट में नौ है तो किसमें चला जाएगा, इनडायरेक्ट में क्विकली जरा टाइप कीजिएगा इसे चैट बॉक्स में, क्विकली क्विकली नौ जो है वो दिन में तब्दील हो जाएगा, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, जिस किस्में तब्दील हो जाएगा, जब हम जिस को करेंगे जिस किस्में तब्दील हो जाएगा, जिस किस्में तब्दील होगा, जिस जो है वो हमारे पास डायरेक्ट में तब्दील हो जाएगा। आसान आसान सी चीजें हैं। अच्छा जी, मुझे बताइए कि दीज किस में तब्दील हो जाएगा, जी दीज किस में हो जाएगा, दीज दोज में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है तो इन चीजों को बिल्कुल आप ख्याल रखेंगे। अच्छा, हेयर जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा, हेयर किस में तब्दील हो जाएगा, हेयर जो है वो हमारे पास देयर में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ करके देखते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा यस्टरडे जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा, यस्टरडे जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा, यस्टरडे किस में तब्दील हो जाएगा, यस्टरडे जो है वो तब्दील हो जाएगा द प्रीवियस डे के अंदर जो है, द प्रीवियस डे के अंदर। अच्छा, मुझे बताइएगा नेक्स्ट डे किस में तब्दील हो जाएगा, नेक्स्ट डे किस में तब्दील होगा, नेक्स्ट डे किस में तब्दील होगा, नेक्स्ट डे जो है वो तब्दील होगा द फॉलोइंग डे, नहीं नेम साहब, द फॉलोइंग डे जो है वो, ठीक है, द फॉलोइंग डे जो है वो। अच्छा जी, कम जो है वो किस में तब्दील होगा, कम कम किस में तब्दील होगा, कम किस में तब्दील होगा जी, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे कम किस में तब्दील होगा जी, अली रजा साहब बताइए जरा, कम किस में तब्दील होगा, कम तब्दील होगा गो के अंदर। ठीक है, कम जो है वो गो के अंदर तब्दील होगा। अच्छा, ये मुझे बताएं अगो किस में तब्दील होगा, जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि टाइम एंड अगेन आपके पास वन पेपर में आ रहे हैं, तो इन्हें आपने इग्नोर नहीं करना, अगो जो है वो बिफोर में तब्दील हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा टुडे जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा, टुडे किस में तब्दील होगा, टुडे किस में होगा, वेरी गुड हादिया, एक्सीलेंट, दैट डे में तब्दील होगा। अच्छा, ये मुझे बताइए टुमारो किस में जो है वो तब्दील होगा, टुमारो किस में तब्दील होगा, टुमारो किस में तब्दील होगा, टुमारो हमारे पास द नेक्स्ट डे में तब्दील होगा। अच्छा जी, ये चीजें, ये चार जो है वो आपने अजगर कर लेना है, इसको आपने कभी भी नहीं भूलना। इसमें से आपके पास कम से कम एक से दो जो है वो नंबर का एमसीक्यू जरूर आता है। ठीक है, इनको आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छा जी, ये अब हमारे पास जो है वो सर्टन वर्ड चेंजेस का जो है वो एक हमारे पास ये आ गया है जनाब, एक चार्ट जो है वो हमारे पास आ गया। अब हमें कुछ और चीजें समझनी है, ये अगर हम इसको रूल्स वाइज समझ लें कि चेंजेस कौन कौन सी होती हैं, तो ये जी रूल नंबर वन है कि हमारे पास जो है वो जो वर्ड्स होंगे वक्त और जगह को जाहिर करने वाले वो इस तरह से तब्दील होते हैं। अब जी रूल नंबर टू मैं आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ, और यहाँ तक आई एम श्योर कि आपको ये चीजें पता चल चुकी हैं। रूल नंबर टू को देखने की कोशिश की जाएगा। अच्छा, रूल टू देखने की कोशिश की जाएगा। याद रखिएगा कि अगर आप किसी को खिताब देते हो, ठीक है, सेंटेंस में किसी को खिताब देते हो, तो इनडायरेक्ट में वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। समझाने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। ओके, सो हमारे पास एक एग्जांपल ये है कि हमने लिखा ही सेड आमिर कम हेयर। गौर से मेरे अल्फाज सुनिएगा, मैंने कहा कि अगर फिक्रे में किसी को खिताब किया जाए, खिताब किया जाए, बुलाया जाए,
तो इनडायरेक्ट में मफूल बन जाता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसका हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाने की देखते हैं कौन इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करता है। मैंने बताया जिसको खताब कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा, वो इसमें मफूल यानी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ही सेड आमिर कम हेयर, ही सेड आमिर कम हेयर एंड लेट्स सी कि कौन इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करता है। सो यू आर सपोज टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, उसे करेंगे कि ऑर्डर्ड आमिर टू कम देयर नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा जी, इसको ना हमने अभी ये कहा कि आश आमिर, ठीक है, कि आश आमिर टू कम देयर, ठीक है, टू कम देयर, ये इनडायरेक्ट हो गया। सो हमने देखा कि अगर किसी को खिताब किया जाए व्हेन यू आर एड्रेसिंग समवन, एच विल बिकम ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट, आई एम श्योर कि ये जो है वो कवर हो गया। अच्छा जी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए रूल नंबर 3 याद रखेंगे, और रूल नंबर 3 आपके पास ये है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं उन्हें हम खत्म कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास नो है डायरेक्ट में, उसे इनडायरेक्ट में खत्म कर देंगे। अगर आपके पास यस है उसको खत्म कर देंगे, ऑल राइट है उसे खत्म कर देंगे, वेल है उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, ये रूल्स आपने कभी नहीं भूलने हैं। मैं दोबारा बता दूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ये वाले जो रूल्स हैं इनमें कम से कम आपके 4 से 5 नंबर इन टोटल छुपे हुए हैं, इनको समझने की कोशिश करो। ठीक है, अच्छा इसकी भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इसकी भी करवाते हैं। आसान से रूल है वैसे, और रूल नंबर जरा 5 भी देख लीजिएगा, सॉरी 4 भी देख लीजिएगा, फिर हम प्रैक्टिस पर भी चलते हैं। अच्छा, जब आपने गुड मॉर्निंग अगर है ना किसी सेंटेंस में, डायरेक्ट के अंदर जो है वो गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग को कोई बता सकता है किसमें तब्दील करते हैं? लेट्स सी हाउ मेनी जीनियस आर देयर, गुड मॉर्निंग को गुड आफ्टरनून को किससे तब्दील करते हैं, इनको हम किससे तब्दील करते हैं, अंदाजा लगाएं, जरा गेस करें। इसको हम ग्रीट से तब्दील कर देते हैं, ठीक है, एक ग्रीटी। और अगर हमारे पास जो है वो कोई सर है, ठीक है, सर जो है वो डायरेक्ट के अंदर है, तो सर को हम जो है वो रिस्पेक्टफुली के अंदर तब्दील कर देंगे। ठीक है, रिस्पेक्टफुली के अंदर जो है वो तब्दील कर देंगे। आई एम श्योर कि आपको जो है वो ये रूल पता चल गया। अगर ये रूल पता चल चुके हैं तो कुछ जो है वो मैं आपके साथ एग्जाम्पल जो है वो लेते हैं। अब आपने इनको कन्वर्ट करना है और हमने देखना है कितने जीनियस ऐसे हैं हमारे साथ जो अभी के अभी इनको कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि अगर मैंने लिखा डू यू गो होम, डू यू गो होम, प्रैक्टिस नहीं कर रहा कि सर को रिस्पेक्टफुली में तब्दील करना है और नो यस ऑल इट वेल को खत्म करना है, मैं समझता हूँ जिनकी जरूरत है हम उसके जो है वो बात करें। अच्छा जी, डू यू गो होम जो है वो अगर डायरेक्ट में है तो इसको इनडायरेक्ट में भी डू यू गो होम लिखा जा सकता है, या ये क्वेश्चन मार्क रहेगा या खत्म हो जाएगा? व्हाट डू यू फील, हमारे पास जो है क्वेश्चन मार्क रहेगा या खत्म हो जाएगा? हाँ, अब हमारे पास जो है ना हम कंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कौन सी ऐसी तब्दीलियां आती हैं जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताते हो ना, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑल टुगेदर तब्दील हो जाती हैं। अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, जैसे डू यू गो होम, अब ये कौन सा वाला सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, जरा गौर से देखिएगा, इंटेरोगेटिव है। अच्छा, जब मुझे इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो मैं लिखूंगा यू गो होम, यू गो होम, लेकिन इससे पहले मैं ऐड कर दूंगा इफ को, ठीक है, इफ यू गो होम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट। तो आपको ये समझ में आया कि इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर आपको इंटरोगेटिव कभी भी नहीं रखना, ठीक है। एक मैं दूसरा सेंटेंस देखता हूँ, जरा मुझे इसको कन्वर्ट करके बताइएगा, वाई आर यू क्राइम। अच्छा, इसको बताइए जरा क्या हो सकता है, वाई आर यू क्राइम, इसको जरा बताएंगे, कोशिश करें जरा सारे, अली आमना
अब्बास, हादिया, इंशा, नईम, इमरान, समरा, सोबिया, तनवीर, जैन, खालिद, जैनब। ट्राई करने की कोशिश करें। वाई यू वर ट्राइंग? ओके, अभी वैसे टेंस हमने तब्दील नहीं करना, लेकिन दैट्स फाइन। आपने जो है उसको बताया, आमना चेरिश इज द ओनली वन जिन्होंने ट्राई की। ट्राई कर सकते हैं आप, जो है वो गलत कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आमना, आई एम हैप्पी कि आपने ट्राई किया जी। इनके अलावा और, वाई आर यू क्राइंग? देखें, एक सिंपल सी बात है, कहते हैं कि कॉमन सेंस हमने यूज करनी है। एक हिंट मैं आपको देता हूं, आपने सिर्फ इसका क्वेश्चन मार्क खत्म करना है। आपने इसका क्वेश्चन मार्क खत्म करना है। वेरी गुड आमना सैरिश ने, एक्सेलेंट तरीके से ना। आमना फील करें, हमने आपके लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग की है। नहीं सब, आमना साहबा को एक ऊंट इनाम में दे दिया जाए प्लीज, अगर आपके पास अभी कोई ऊंट बने हुए हैं। कुर्बानी आ रही है आमना सैरिश साहबा, इसकी कुर्बानी की जाए। वेरी गुड आमना, ये इंटरोगेटिव था। अभी तो मैंने बताया कि स्टेटमेंट में बदलना है व्हाई यू आर क्राइंग। सिंपल सी बात जो है वो ये है कि व्हाई यू आर क्राइंग, और ये खत्म हो गया। ठीक है, चलें जरा और देखने की कोशिश करें। ओके जी, मैंने लिखा मे यू लिव लॉन्ग, कौन सा सेंटेंस है? पहले तो ये बताएं जरा, कौन से वाला है? एक्सक्लेमेशन है, ऑब्जेक्टिव है, कौन से वाला है? पहले ये बताएं, मे यू लिव लॉन्ग कौन से वाला सेंटेंस है? ऑब्जेक्टिव है, दुआ। अच्छा जी, अब ये जो मे यू लिव लॉन्ग है ना, मैं इसके बाद भी लगा हुआ क्वेश्चन, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। बिल्कुल इसी तरह आसान तरीन कन्वर्जन है जैसे आपने पहले की थी। समझाना चाह रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट इस तरह से होगा तो इनडायरेक्ट ऐसा होगा। मे यू लिव लॉन्ग का भी क्वेश्चन मार्क खत्म करना, जरा करने की कोशिश करें, ट्राई करें जरा। मे यू लिव लॉन्ग में जो है वो कैसे आप करेंगे? ओके, अच्छी अटेम्प्ट है आमना साहब, बट बाकी भी जो है वो इसको ट्राई कर सकते हैं। यू माइट लिव लॉन्ग, यू मे लिव लॉन्ग, यू मे लिव लॉन्ग। हाँ, ये जिन्होंने यू मे लिव लॉन्ग लिखा, हाविया साहिबा ने, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा। और ये समड़ा गिलानी साहिबा ने सेंटेंस को लिखा है, इसके साथ इन्होंने इमोजी भी भेज दी है। अब पता नहीं, ये शायद इसके लिव लॉन्ग, इनको इसकी लंबी जिंदगी पे एतराज है। ओह चलें। अच्छा जी, अब हमें ना ये पता चल चुका है कि जहां पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, क्वेश्चन मार्क हम किस तरह से खत्म करेंगे और स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। लेकिन मुझे आपकी काबिलियत पे अभी तक उस तरह से यकीन हो नहीं सका। मैं कुछ और सेंटेंसेस देना चाहूंगा, एक दो, ताकि आपको मैं इनफ प्रैक्टिस में से गुजार सकूं। देखिए, देख चले, वॉच आ स्टूपिड फेलो ही इज, बल्कि एक्सक्लेमेशन वॉच है ना, तो जी डिफरेंट, व्हाट इज स्टूपिड फेलो ही इज, इसको जी स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। एंड लेट्स सी कि कौन करता है आसान सा जो है इसकी कन्वर्जन है। एक्सक्लेमेशन मार्क है और वो हम खत्म कर देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क इसका खत्म हो जाएगा, ही इज अ स्टूपिड फेलो। वेरी गुड समरा गिलानी साहिबा, आपने बिल्कुल ठीक लिखा। हम समरा गिलानी साहबा का नाम यहाँ पे लिख देते हैं, एक्सीलेंट। और यहाँ पे हम जो है वो पूछ करते हैं जी, ही इज अ स्टूपिड फेलो। हमें ये भी पता चल गया, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तो उसको भी हम स्टेटमेंट में बना देंगे। लास्ट पे एक चीज जो है देखिएगा, हाउ कोल्ड इट इज। जी पार्टिसिपेंट्स, वंस अगेन हमारे पास यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा एंड पे, हाउ कोल्ड इट इज। वेरी गुड हालिया, इट इज वेरी गुड। अब ये चीजें आपको आई एम श्योर के क्लियर हो चुकी हैं। ये चीजें अगर आप सबको क्लियर हैं तो हम जो है वो आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे जो है वो जो मैं जानना चाहता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन की बात ये भी कर रहा हूँ, आगे मैं जो सेंटेंसेस डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ, वो है एसर्टिव सेंटेंसेस। ये एसर्टिव सेंटेंसेस किस मलाल का नाम है, ये कहाँ से आ गए हैं, ये होते क्या है एसर्टिव सेंटेंसेस? उर्दू में बचपन में ना हम सुना करते थे खबड़िया जुमले। अब ये खबड़िया क्या है, क्या कोई खबरें सुनाता है? अच्छा, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी बात के वाक्या होने या ना होने का बताया जाए, उन्हें हम एसर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, अब मैं
कुछ रूल्स पहले सुन लीजिएगा, कुछ असूल पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दूंगा और आपने उनको जो है वो इन असूलों के मुताबिक तब्दील करना है। तो ये रूल्स जो है वो आपने अभी इनको याद रख लेना है, इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है? ओके जी, रेडी है जी, लेट्स सी। देखना है मुझे कि कौन इन रूल्स को ना सिर्फ ध्यान से सुनता है, इट इज अ मिनी चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू, और कौन सबसे पहले जो है वो सेंटेंस को भी कन्वर्ट करके देता है, और ताकि हमें पता चल सके कि जीनियस क्या। असर्टिव सेंटेंसेस का पहला रूल ये है कि कॉमर्स को हटाकर डैट लगाना है। वैसे तो ये रूल सबके लिए है, कॉमर्स को हटाकर जो है वो कॉमर्स रिमूव्ड आर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास डैट आ जाएगा, पहला रूल है। अच्छा जी, अब दूसरा वाला जो है वो रूल देखिए। अच्छा, जब असर्टिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि जिसमें किसी बात के वाक्या होने या ना होने की खबर दी गई है, वहां पे अगर सेड टू है या वहां पे अगर से टू है, उसको क्या करना होगा, उसको आपको टेल या टोल्ड में बदल देना है। ये बात कभी नहीं भूल, ठीक है? लेकिन अगर अगर उसमें ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं है तो फिर हम जो है वो टेल को यूज नहीं करेंगे, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, डू नॉट यूज टेल, बल्कि से ही रहने देंगे। आई एम श्योर कि ये पता चल गया, रूल जो है वो डू नॉट यूज टेल बट यूज से, ठीक है? से ही रहेंगे, ठीक है? अब जी, ये दो रूल्स मैंने बस आपको बताने थे। अब हम जो है वो पहला सेंटेंस देखते हैं, एंड लेट्स सी कि जीनियस कौन है जो इसको आसान से सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बना के दिखाता है। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, क्या कह दिया जी उसे, आई डू माई ड्यूटी। जी पार्टिसिपेंट, पहले देखें ये एजर्टिव है, फिर देखें कि सेड टू है से टू है तो वो किसमें में तब्दील होगा, और इसे जो है वो सिंपली आप कन्वर्ट कर दीजिए। एजर्टिव है, ठीक है? अच्छा जी, याद रखिएगा कि आपके पास जो है, एक मैं आपको और चीज की प्रैक्टिस करवा देता हूँ इससे पहले कि हम आगे चलें, इससे पहले कि जो है वो मैं ये गलतियां आना शुरू हो गई हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये गलतियां आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, एक ना चार्ट जो है वो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आपने क्या यूज करना है क्या नहीं करना। अगले 5 मिनट के लिए आप अगर कोई काम कर भी रहे हो ना, तो उसे छोड़ दो, और ये बात बड़े गौर से सुनने वाली है, ठीक है? अच्छा जी, ये बात गौर से सुनने वाली ये है कि हमने दरमियान में लाइन लगा देते हैं एक इस तरह से, ठीक है? ये हमने लगा ली जी लाइन। अब यहाँ पे जरा सेंटेंस में एक लिखता हूँ और इसको देखिएगा, हम दोबारा असर्टिव सेंटेंसेस पे जाएंगे सिर्फ इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्पीच लिखूंगा और वहां पे इनडायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, ही सेड आई ईच एप्पल्स। अब मुझे बताओ कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस कौन से वाला यूज हुआ है, ही सेड आई ईट एप्पल्स। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है वो कौन सा वाला इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है, और प्रेजेंट में कौन सा वाला इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट कौन सा वाला इस्तेमाल हुआ है, आई ईट एप्पल, प्रेजेंट कौन सा वाला इस्तेमाल हुआ है, इनडेफिनेट। जब हमारे पास बाहर जो है रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो माजी में है, नेक्स्ट हमारे पास आई ईट प्रेजेंट इनडेफिनेट है, ये किसमें तब्दील हो जाएगा, किसमें तब्दील हो जाएगा, ही सैड दैट ही ईट एप्पल, पास्ट इनडेफिनेट में तब्दील हो जाएगा। वेरी गुड आमना सैरिश, ये पास्ट इनडेफिनेट में तब्दील हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है वो किसमें तब्दील होगा, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो किसमें है, पास्ट में है, तो वो तब्दील हो जाएगा दूसरे वाला आपके पास पास्ट इंडेफिनेट। क्लियर है? एक और एग्जांपल जो है वो देखिएगा, ही सेड आई डू नॉट ईट एप्पल। अब जरा इसको तेजी से कन्वर्ट करके बताएं मुझे, इसका इनडायरेक्ट बना के बताएं, ही सेड आई डू नॉट ईट। हाँ, हो रही है यार,
ये स्क्रीन शो हो रही है। ही सेड आई डू नॉट ईट एप्पल्स। वेरी गुड, ही सेड दैट ही डिड नॉट ईट एप्पल। हमने देखा कि जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट था वो पास इंडेफिनेट में बदल गया। ये रूल कभी भी नहीं भूलना है, इट डिड नॉट ईट एप्पल्स, ये आपने कभी भी नहीं भूलना। क्लियर हो गए जी? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये मैंने बातें की हैं, किसकी बातें की हैं? ये मैंने की है प्रेजेंट इंडेफिनेट की। अब अगली बात मैं किसकी करने लगा हूँ? अब मैं करने लगा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मैं बात करने लगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है इसकी हम बात करते हैं, और इसकी बात क्या करते हैं इसको देखने की कोशिश करते हैं। चाहिए तो इधर ही लिख लेते हैं हम इसके नीचे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिएगा, एक मैंने सेंटेंस लिखा आपके सामने, ही सैड आई एम ईटिंग एप्पल। ही सेड आई एम ईटिंग एप्पल। अब याद रखिएगा जब हम इसका पास्ट बनाएंगे तो ये किस में चला जाएगा? ट्राई करें जरा, गेस करें। ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा? ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील हो जाएगा। और इसमें हमारे पास क्या आएगा? ही सेड दैट ही वाज ईटिंग एप्पल। ठीक है, एप्पल्स। आई एम श्योर कि ये क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ताकि हम इसे आगे चलें, इसे आगे चलें। अब जी थर्ड नंबर पे हम जो है वो लेते हैं। थर्ड नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट की, अब प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये किस में तब्दील होगा ये देखते हैं। अच्छा जी, ही सेड आई हैव ईटन एप्पल्स। ही सेड आई हैव ईटन एप्पल। अब याद रखिएगा जो प्रेजेंट परफेक्ट है जब आपको इसको तब्दील करना है ये तब्दील हो जाएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर जाओ। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और जैसा कि आपके फेलो यहाँ पे लिख भी रहे हैं कि जब हम पास्ट परफेक्ट में बदल लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ही सेड दैट ही हैड ईटन एप्पल्स। आई एम श्योर कि ये बताइए। मैं चार्ट इसलिए बना रहा हूँ कि बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आसानी रहेगी आपके लिए जो है वो याद रखना। अच्छा जी, अब हम जो है वो आगे चलते हैं, और आगे जो है हमारे पास आ जाएगा जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कहानी बड़ी सादा और बड़ी मजे की है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास है जी ही सेड आई हैव बीन ईटिंग एप्पल्स सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। अच्छा जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसमें तब्दील होगा जी? ये आपको क्या लगता है किसमें तब्दील होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास तब्दील हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे ही सेड दैट ही हैड बीन। ठीक है, वो जो हैव बीन है वो हैड बीन में चला गया ईटिंग एप्पल्स सिंस मॉर्निंग। आई एम श्योर कि ये आपको पता चल गया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपके पास जो है वो क्लियर हो गया। अब ये है जी हमारे पास कुछ बातें जो कि हमारे पास हैं जब हमने ये देखा कि अगर हमारे पास जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो माजी में है, रिपोर्टेड वाले जो है वो हमारे पास किसमें है वो प्रेजेंट में है, तो क्या होगा? तो ये वाली सिचुएशन होगी। अच्छा क्या होगा? अब अगला क्वेश्चन माइंड में आता है कि इस दफा तो हमने इसको डिस्कस कर लिया कि जब हमारे पास जो है वो यहाँ पे, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो हमारे पास पास्ट में आ रही है, लेकिन क्या होगा जब ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है, तो फिर कैसे टेंस को तब्दील करेंगे? लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक दफा जरा क्विकली प्रैक्टिस करते हैं
एक साइड जो है वो मैं यहाँ से छुपा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता ना चल सके, एक साइड जो है वो हम ओपन रखते हैं। अब जरा मुझे ये बताइएगा कि कैसे जो है वो, जब हम पास इंडेफिनिट है उसको किसमें तब्दील करते हैं, पास इंडेफिनिट को किसमें तब्दील करते हैं, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें तब्दील करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्विकली बता दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदलेंगे। वेरी गुड जी, हादिया ने सबसे पहले बताया। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में तब्दील होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में तब्दील होगा, पास कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में तब्दील होगा, पास परफेक्ट के अंदर जो है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो पास परफेक्ट कंटिन्यूस में। यहाँ तक तो कहानी हमारी है बहुत सादा और बड़ी मजे वाली जो है। चलें अब हम पर्दे को उठाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब आगे जो है हमारे पास चल के क्वेश्चन भी आ जाता है, क्या हो कि अगर जो है वो दोनों तरफ जो है वो हमारे पास दोनों के दोनों पार्ट्स जो है वो माजी में हो, तो फिर हम क्या करेंगे। चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास आता है, ही सेड आई एट एप्पल्स। अब हमारे पास रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड दोनों के दोनों किसमें हैं, पास्ट में है। और अभी मैं बात कर रहा हूँ पास इंडेफिनेट की या पास सिंपल की, ठीक है। तो जी मुझे बताएं जरा कि ये किसमें तब्दील हो जाएगा, पास सिंपल जो है वो किसमें तब्दील हो जाएगा, पास सिंपल जो है वो तब्दील किसमें हो जाएगा, ये तब्दील हो जाएगा पास परफेक्ट के अंदर, ठीक है। ये जिन्होंने लिखा परफेक्ट कंटिन्यूस ये वो इसमें नहीं तब्दील होगा, तो पास परफेक्ट के अंदर तब्दील हो जाएगा, ठीक है। पास परफेक्ट के अंदर He said I ate apple जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, He said he had eaten apple, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, He said he had eaten apples। ये कभी गलत नहीं करना है आपने, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि इनको गलत कर देते हैं, सो आपने ध्यान से समझना है। पहले सेंटेंस को गौर से पढ़ेंगे उसके बाद आप इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से तेजी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी भी तेजी नहीं करेंगे। अच्छा जी अब जरा ये मुझे बताएं, ही सेड आई डिड नॉट ईट एप्पल। जी जरा इस एग्जाम्पल को देखिए, ही सेड आई डिड नॉट ईट एप्पल। सर इसमें डैट नहीं लगाना, ही सेड ही हैड ईटन एप्पल। मैंने कहां पे लगाया डैट पे, वो हाँ ही सेड डैट ही हैड ईटन एप्पल, हाँ लगाने लगाने लगाने, सॉरी मुझे जो है वो ही सेड दैट ही हैड दैट ही हैड, जो सही कह रहे हैं मिस हो गया, ही सेड दैट ही हैड नॉट ईटन एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ही सेड दैट ही हैड नॉट ईटन एप्पल जो है। अब हमारे पास ये हो गया जी पास सिंपल वाली बात। अब हम जो है वो थोड़ी सी आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं अगला जो हमारे पास टेंस है। ओके नेम सब ने एप्पल जो है वो भेज दिया है ताकि आप सबको एप्पल जो है वो पहचानने में मसले का सामना ना करे। आगे हमारे पास आ जाता है जी पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है जी, पास्ट कंटिन्यूस जो है, पास्ट कंटिन्यूस को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी पास्ट कंटिन्यूस जो है ना, पहले ये याद रखिएगा, पास्ट कंटिन्यूस को जब आपने तब्दील करना है तो ये किसमें तब्दील हो जाएगा, ये तब्दील हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। एक सेंटेंस देखिएगा, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस का है आई वॉज ईटिंग एप्पल्स। अब जरा इसको देखिएगा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करके बताइएगा, पास कंटिन्यूअस है वो किसमें चला जाएगा, आई वॉज ईटिंग एप्पल जो है वो, ठीक so, जी इसमें आएगा ही सेड दैट ही हैड बीन ईटिंग एप्पल्स। आई एम श्योर कि ये आपको पता चल चुका है, ठीक है। अब जल्दी से एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं और हम जो है वो, ये हमारे पास आ गया जी नेक्स्ट हमारे पास है, और नेक्स्ट हम जो है वो लेते हैं जी पास्ट परफेक्ट की।
पास सिंपल कर लिया, पास कंटिन्यूस कर लिया, पास सिंपल जो है वो किसमें, पास परफेक्ट में, यानी कि उससे एक छोड़ के अगले में, पास कंटिन्यूस यानी कि जो हमारे पास उससे एक छोड़ के अगले में, ठीक है। लेकिन जो पास परफेक्ट है इसकी कहानी दुनिया से अलग है। पास परफेक्ट ने कहा मैं नहीं बदलूंगा, नहीं बदलूंगा, नहीं बदलूंगा, जो मर्जी कर लो। सो ही सेड दैट, ही सेड आई हैव ऑलरेडी ईटन एप्पल। अब जरा इसको बताएं, जरा इस कहानी में जो परफेक्ट ने कहा कि मैं नहीं बदलूंगा, जो मर्जी कर लो, ठीक है। तो इसने यहाँ पे पास परफेक्ट नहीं रहेगा, ही सेड दैट ही हैड ऑलरेडी ईटन एप्पल, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे, सो जी हमारे पास जो है वो ये तब्दील नहीं होगा, हम इसमें लिख सकते हैं नो चेंज। अब हमारे पास आखिरी जो है वो एक रह गया, और वो हमारे पास कौन सा वाला है, वो है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की कहानी को भी समझने की कोशिश करते हैं। ये है जी हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा जुड़े वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है, इसने भी कहा कि भाई ठीक है, जब पास्ट परफेक्ट नहीं बदलेगा तो मैं भी नहीं बदलूंगा, नो चेंज नॉट एट ऑल। उसने कहा कि मैं भी जो है वो ऐसे ही रहूंगा। एक सेंटेंस देखने की कोशिश कीजिएगा, ही सेड आई हैड बीन ईटिंग एप्पल्स सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारे पास जो है वो आई हैड बीन जो है वो सब तब्दील हो जाएगा ही हैड बीन जो है वो, ठीक है, ही हैड बीन। इसी तरह से ही सेड दैट ऊपर भी जो है वो He had already eaten the apple. So I had been जो है वो यहाँ से he had been eating the apple since morning. I'm sure कि आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं और स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। ये हमारे पास जो है वो स्क्रीन है हमारी जो इम्पोर्टेंट वाली पहली वाली, इसमें आपके पास इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट हमारे पास ये है जी दूसरे वाली। अगर जी यहाँ तक चीजें आपके पास क्लियर हैं तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। लेकिन आगे जाने से पहले मैं यार एक और एक्सरसाइज से गुजारना चाहूंगा, जस्ट मेक इट श्योर कि आप याद हो गए। इस एक्टिविटी का आंसर देने के लिए सिर्फ 2 सेकंड का वक्त होगा। जिसने 2 सेकंड से ज्यादा टाइम लिए है उसका मतलब है कि उसके ऊपर वही नाजिल हो चुकी है और उसको नहीं याद पता। मैं एक जो है वो यहाँ पे बोलूंगा आपके सामने जो है वो, जो चेंजेस आपने करनी है टेंसेस की, एक्जुलरी वर्ब्स की, डायरेक्ट के जो है वो डायरेक्ट स्पीच के मैं बोलूंगा, इनडायरेक्ट के आप मुझे बताएंगे, ठीक है, और वो आप बताएंगे, मैं उन्हें लिखूंगा नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं जरा कि इज आर एम को हम किससे तब्दील करेंगे, इज आर एम किससे तब्दील करेंगे, जरा जल्दी से बताएं मुझे, इज आर एम किससे तब्दील करेंगे। अच्छा जी हादिया ने जो है वो आंसर दिया, हादिया का नाम सबसे पहले लिखेंगे वॉज वर्ब में, 2 सेकंड के अंदर जो है वो करेंगे। अच्छा जी मैंने ईट लिखा, ईट जब ये पास्ट में चला जाएगा या इनडायरेक्ट में चला जाएगा किस में बदलेगा, ईट क्या हो जाएगा, ईट क्या हो जाएगा, नहीं ने जो है वो आंसर दिया हमारे पास, तो ये हमारे पास जो है वो नहीं साहब यहाँ पे लिखा जाएगा, ग्रेट होगा। अच्छा मुझे बताइएगा डू नॉट ईट को किस में जो है वो आप तब्दील करेंगे, डू नॉट ईट को किस में तब्दील करेंगे, वेरी गुड जी, जैनब ने इसको जो है वो सबसे पहले आंसर दिया, जैनब रजा का नाम आ गया। नंबर 4 पे मुझे बताइएगा हैज है और हैव है किसमें तब्दील करेंगे, हैज और हैव जो है वो, वेरी गुड जी, ये हमारे पास जो है वो तब्दील हो जाएगा, हैड में तब्दील हो जाएगा, ठीक है जी, नाइम साहब जो है वो इन्होंने इसको आंसर किया। नंबर 5 पे जो है वो, अच्छा जी ये है जी, अब हैज बीन और हैव बीन किसमें तब्दील होगा, हैज बीन और हैव बीन किस में तब्दील होगा, हैज बीन और हैव बीन किस में तब्दील होगा, ओके ओके, जैन रशीद साहब ने जो है वो सबसे पहले आंसर दिया, ग्रेट जैन। अच्छा जी मुझे बताइएगा कैन ईट किस में तब्दील होगा, कैन ईट किस में तब्दील होगा जी, कैन ईट किस में तब्दील होगा, नईम ने जो है वो इसका सबसे पहले लिखा, नईम जो है वो इस एक्टिविटी में
अभी तक 3% के आंसर दे चुके। अच्छा जी मुझे बताइए, विल ईट किस में तब्दील होगा जी? विल ईट किस में तब्दील होगा? समरा गिलानी साहबा ने जो है वो लिखा है इसको, ग्रेट समरा। ओके जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि शैल ईट किस में तब्दील होगा? शैल ईट किस में तब्दील होगा? शुड में, शुड शुड ईट के अंदर जो है वो तब्दील होगा। और लेकिन शुड ईट जो है वो जैनब ने लिखा मुकम्मल जो है, सो ग्रेट होगा। अच्छा जी अब मुझे जरा बताइएगा, मे ईट जो है वो किस में तब्दील होगा जी? मे ईट जो है वो हादिया ने बताया इसको माइट ईट के अंदर होगा। ठीक है। अच्छा जरा मुझे बताइएगा, कैन हैव ईटन किस में तब्दील होगा? पूरा लिखिएगा, कैन हैव ईटन जो है वो किस में तब्दील होगा? कैन हैव ईटन किस में तब्दील होगा? नईम ने जो है वो इसको सबसे पहले आंसर दिया, वेट हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, विल हैव ईटन किस में तब्दील होगा? विल हैव ईटन किस में तब्दील होगा? विल हैव ईटन जो है वो किस में तब्दील होगा? हमारे पास ये कुड हैव ईटन में तब्दील होगा। ठीक है, कुड हैव ईटन जो है वो उसमें तब्दील होगा। याद देखिएगा, इसको मिक्सअप नहीं कीजिएगा, कुड हैव ईटन में तब्दील होगा। ठीक है। अच्छा इसके लिए ना आपने एक दफा कोशिश करनी है, ये वुड को कुड को इनको पढ़ना है। अच्छा ये मुझे बताइएगा, जरा गाइड कीजिएगा, शेल हैव ईटन किस में तब्दील होगा? शेल हैव ईटन किस में तब्दील होगा? शेल हैव ईटन किस में तब्दील होगा? जी वेरी गुड जी, ये शुड हैव ईटन जो है वो समरा ने बिल्कुल ठीक लिखा। अच्छा मुझे बताइएगा, मे हैव ईटन किस में तब्दील होगा? मे हैव ईटन जो है वो ये किस में तब्दील होगा? माइट में, जैनब ने लिखा। अच्छा जी तेजी के साथ, ये स्क्रीन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें अभी कुछ ही सेकंड में मीटिंग खत्म हो जाएगी, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये स्क्रीन है, इससे पहले वाली हमारे पास ये है, इससे पहले वाली ये है, इससे पहले वाली ये है। तो जी अब जब हम आएंगे तो हम एजर्टिव सेंटेंसेस से दोबारा शुरू करेंगे, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तो एजर्टिव सेंटेंसेस से हम जो है वो आगे चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, आई एम श्योर कि यहाँ तक तो हमें चीजें आपको क्लियर है। अब जब वापस आते हैं तो एजर्टिव सेंटेंसेस वही जो खबरिया जुमले हैं वहीं से बात करेंगे। कोई स्क्रीन अगर मिस हो गई है उसका स्क्रीन शॉट तो वो बता सकते हैं, वरना मीटिंग को हम दोबारा ज्वाइन करते हैं और एजर्टिव सेंटेंसेस ऑनवर्ड चलते हैं, जिसमें मैंने पहला सेंटेंस आपको दिया था और उसका आंसर आपने फाइंड आउट करना था।